पिछले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न प्रकार के तेल की कीमतों में मोनोपोली चलने के कारण कीमत में उठा पटक जारी बनी हुई थी, वह अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। अब आगे भी उत्पादन अधिक को देखते हुए लंबी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी मार्च महीने के दौरान विभिन्न प्रकार के तिलहन की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। इस समय अलवर भरतपुर मंडी में सरसों 42 प्रति कंडीशन के भाव टूटकर 6925 रुपए रह गए हैं। इसके अलावा कच्ची घानी कोल्हू में तेल की भी लुढ़क कर 14800 रुपए से लेकर 15250 रुपए पर बिक्री कमजोर बनी हुई है। अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के तिलहन का दबाव बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी कीमतों में गिरावट आ सकती है। इस वर्ष विभिन्न प्रकार के तिलहन की कीमत में लंबी तेजी के आसार नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष विभिन्न प्रकार के तिलहनों का उत्पादन चौतरफा अधिक बताई जा रही है। इस माहौल को देखते हुए इस साल विभिन्न प्रकार के तेल सस्ते ही बिकने की उम्मीद भी जताई है। इसके अलावा विभिन्न मंडियों में ग्राहक की बढ़ने की वजह से गेहूं, दाल, मसाले में जीरा, धनिया और मगज तरबूज के अलावा धान, चावल की कीमतों में तेजी जारी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।